हेलो एवरीवन, सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पर रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली गई है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि रेगुलर बेस पर हैं और कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 13 अक्टूबर रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर अधिकतम 38,000 आपको मिलेगी। फीस यहाँ पर जनरल कैटेगरी की रखी गई है मात्र 100 रुपये। सभी राज्यों के यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी जो है कहाँ से आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की है। यहाँ पर जो वैकेंसी है अकाउंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल सतारा से। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है बीकॉम मांगी गई है, और 10 साल का जो है आप लोगों के पास अगर अकाउंटेंट का अनुभव है किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर देखिए 35,400 लेवल 6 एज पर 7th CPC के अकॉर्डिंग। 18 से 50 साल जो है यहाँ पर उम्र रहने वाली है। दूसरी वैकेंसी है क्वार्टर मास्टर की, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। BA या BCom आपने किया है और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। क्वार्टर मास्टर में आपने काम किया है या फिर UDC स्टोर में काम किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। 18 से 50 साल जो है उम्र मांगी गई है। बैंड मास्टर की वैकेंसी है और ये भी जो है टेम्परेरी बेसिस पर है। 20,000 जो है पर मंथ मिलेंगे, 18 से 50 साल उम्र है। वार्ड बॉय मैट्रॉन की है फॉर होस्टल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है ये भी वैकेंसी, और इसमें जो है वो कुल 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, तो कुल जो है वो 5 वैकेंसी हैं, और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। केवल जो है मैट्रिकुलेशन मांगी गई है या फिर इसके समकक्ष अगर कोई आपने एग्जाम दिया है, और साथ में जो है इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपने BA BSc BCom की डिग्री आपके पास है, स्पोर्ट्स या आर्ट म्यूजिक ये जो है एक्स्ट्रा जो आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को और भी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। 25,000 जो है पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 18 से 50 साल उम्र है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है TGT हिंदी की, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है वैकेंसी। आपने स्नातक की डिग्री हासिल की है 50% अंकों के साथ में, और आपने अपने 3ों साल में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है BEd मांगा गया है, और अगर आप CTET या STET किसी भी राज्य का टेट अगर आपका क्लियर है, या आपका जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर है CTET Paper 2, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 38,000 जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। 21 से 35 साल यहाँ उम्र रखी गई है। उम्र में जो है यहाँ पर छूट मिलेगी अदर कैटेगरी को, वो हम देखेंगे। TGT मराठी की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है। बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ, और मराठी आपने एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो स्नातक में 3ों साल। 38,000 सैलरी है। 21 से 35 साल उम्र कही गई है। BEd मांगा गया है, CTET Paper 2 या STET Paper 2। काउंसलर की वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी में की है 50% अंकों के साथ में, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और उसके साथ में जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस में, और इसमें भी जो है 50% मार्क्स कहा है। 35,000 यहाँ पर मंथ सैलरी है, और 18 से 50 साल उम्र कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक टीचर की भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। एक है वैकेंसी, और यहाँ पर 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है स्कूल की, सैनिक स्कूल सतारा, और यहाँ पर आप लोगों को होम पेज पर ही जो है रनिंग में नजर आएगा वैकेंसी अकाउंटेंट, क्वार्टर मास्टर, वार्ड बॉय या मैट्रोन, TGT हिंदी, TGT मराठी, काउंसलर, म्यूजिक टीचर। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की रहेगी 13 अक्टूबर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और ये जो है एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट से जो है भेजना है। एड्रेस रहेगा टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, सतारा ये जो है पिन कोड है, और ये स्कूल जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं
वो सभी जो है आप लोग एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ में अटैच कर लें, और 100 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ में यहाँ पर लिखा है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा पेबल एट सतारा, इसके नाम का जो है वो बैंक में जाके बनवाएंगे 100 रुपये का, और जो डिमांड ड्राफ्ट जिसको आप DD कहते हैं, ठीक है, और आप लोगों को भेज देना है। यहाँ लिखा है द कैंडिडेट ऑफ SC ST कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस। SC ST कैटेगरी की जो है कोई भी फीस नहीं है, केवल जनरल कैटेगरी और OBC की 100 रुपये यहाँ पर फीस कही गई है। एज रिलैक्सेशन, जितने भी क्वालिफिकेशन और एज मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो एज रिलैक्सेशन जो है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पर दी गई है छूट, और OBC को 3 साल की छूट दी गई है। लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2023 है। अभी जो है सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है यहाँ पर एक जो है आप लोगों का एग्जाम होगा। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम का जो स्थान है वो सैनिक स्कूल सतारा यानी महाराष्ट्र में जाकर ही आप लोगों को एग्जाम देना होगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ लिख देंगे, बाकी नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट जरूर लगाएं यदि आप छूट चाहते हैं। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर है अगर तो वो लिख देंगे, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, और अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो यहाँ लिख देंगे, क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि हिंदी है, मराठी है, तो उसके लिए जो है CTET पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप यस लिखेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए CTET नहीं है तो वहाँ पर आप लिखेंगे नो, ठीक है, बाकी हॉबी लिख देंगे, अगर कोई और एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को अटैच कर देनी है और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को सेंड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों का जो है एक एग्ज़ाम होगा और सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, इसकी मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, जो भी इच्छुक हैं अभ्यर्थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।